हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आरआरबी टाइमलाइन। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारा चैनल आरआरबी टाइमलाइन पे। दोस्तों, फाइनली रेलवे एएलपी टेक्नीशियन अभ्यर्थी के लिए बहुत बड़ी खबर आ चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन का फाइनल कट ऑफ जारी कर दी गई है। दोस्तों, आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में आरआरबी एएलपी टेक्नीशियन का फाइनल जो कट ऑफ है वो जारी कर दिया है। साथ ही साथ मेन लिस्ट का कितना कट ऑफ गया है और वेटिंग लिस्ट का कितना कट ऑफ गया है, सब कुछ आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में जारी कर दिया है। और साथ ही साथ एक ऑफिशियल नोटिस भी जारी की गई है, सब कुछ क्लियर कर दिया है। तो इस वीडियो में हम आपको स्टेप बाय स्टेप जो भी अपडेट आया है आपका आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में सब कुछ बताएंगे। सो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप इस वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा। सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल के अपडेट सबसे पहले देखने के लिए। तो दोस्तों, चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में। वहां पर जाकर आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ जो भी अपडेट आया है आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में, आपको पूरा डिटेल से बताता हूँ। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, मैं अभी आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में आ चुकी हूँ। आप देख सकते हैं, यह आरआरबी कोलकाता रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड कोलकाता, वी प्रोवाइड आवर बेस्ट सर्विसेज। जैसे आप इस आरआरबी कोलकाता के ऑफिशियल वेबसाइट में जाएंगे तो सबसे ऊपर आपके यहाँ पे दिखाई देगा, आप देख सकते हैं CEN 01/2018, डेट 19/7/2019। यहाँ पे दोस्तों दी गई है टू व्यू कट ऑफ मार्क्स फॉर एडिशनल कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन, क्लिक हियर टू व्यू एंड डाउनलोड। इसके ठीक नीचे आपको यहाँ पे दिखाई देगा CEN 01/2018, डेट 19/7/2019 टू व्यू कट ऑफ मार्क्स फॉर रेगुलर कैंडिडेट शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ एएलपी एंड टेक्नीशियन, क्लिक हियर टू व्यू एंड डाउनलोड। जैसे आप इस पे क्लिक कीजिएगा दोस्तों, आपके सामने एक पीडीएफ ऑटोमेटिकली डाउनलोड हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं रेगुलर कैंडिडेट के लिए यहाँ पे जो भी जिनसे भी पोस्ट था यहाँ पे कैटेगरी वाइज सभी पोस्ट यहाँ पे कट ऑफ दी गई है। सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे एएलपी का कैटेगरी वन और कैटेगरी टू की, तो यहाँ पे मैं आपको दिखाया था दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ पे एएलपी यानी कि जो एक नंबर था कैटेगरी वन ईस्टर्न रेलवे, और एएलपी ए था साउथ ईस्टर्न रेलवे का, और कैटेगरी टू जो था ये मैकेनिकल का था, और कैटेगरी वन जो था ये आपका इलेक्ट्रिकल का था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जनरल का कट ऑफ गया है 71.27685 और 71.25106, ये आपका साउथ ईस्टर्न रेलवे में गया है और आपका ईस्टर्न रेलवे में 71.27685 गया है। उसके साथ साथ अगर हम बात करें ओबीसी की, तो ओबीसी का 64.19635, और अगर हम बात करें साउथ ईस्टर्न रेलवे की तो 62.45344, ये ओबीसी की। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे एससी की 61.67895, और अगर हम बात करें साउथ ईस्टर्न रेलवे की 60.235818, और अगर हम एसटी की बात करें दोस्तों यहाँ पे 49.52911 और 48.06297। उसी के साथ साथ यहाँ पे और जो कम्युनिटी है वहाँ पे सबका यहाँ पे कार्ड ऑफ दी गई है, आप देख सकते हो। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे मैकेनिकल की यानी कि एएलपी मैकेनिकल की, वहाँ पे दोस्तों ईस्टर्न रेलवे का यहाँ पे वैकेंसी था, यहाँ पे देख सकते हैं 73.32106 यहाँ पे कार्ड ऑफ गया है जनरल का। अगर हम बात करें यहाँ पे ओबीसी की तो 62.34003, और अगर हम बात करें एससी की तो 62.50491 और एसटी की 47.48494। तो इस तरीके से आप जिस पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया दोस्तों, आपका कैटेगरी नंबर आप सबसे पहले देख लीजिएगा कौन सा कैटेगरी नंबर है, आपको पोस्ट यहाँ पे दी गई है उसके बाद ही आपको यहाँ पे कैटेगरी नंबर दी गई है। आप देख सकते हैं कैटेगरी नंबर यहाँ पे 25, 27, 28, 30, आप जिस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए यहाँ पे अप्लाई किया है उस पोस्ट में टेक्नीशियन पोस्ट का आप यहाँ से देख सकते हैं कैटेगरी नंबर कितना है। और उसके साथ साथ आपको यहाँ पे यूआर का, एससी का, एसटी का, ओबीसी का, एक सर्विस मैन का, ओएच का, डब्ल्यूएच का और बीएच का कार्ड आपको यहाँ पे दिखाई देगा। तो दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, वहां से जाकर डायरेक्टली आप इस पीडीएफ को डाउनलोड करके आप चेक कर सकते हो कि आपका यहाँ पे कितना कट ऑफ गया है। अगर आप कोई भी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो या तो फिर एएलपी के लिए अप्लाई किए थे तो आपका कितना कट ऑफ गया आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, आपका ईस्टर्न रेलवे या साउथ ईस्टर्न रेलवे आरआरबी कोलकाता के अंडर। उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें यहाँ पे वेटिंग लिस्ट की, तो यहाँ पे सबसे ऊपर वाला अगर लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पे वेटिंग लिस्ट वाला पीडीएफ डाउनलोड हो जाएगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे कट ऑफ मार्क्स ऑफ फॉर एडिशनल कैंडिडेट 50% ओवर एंड अबव वैकेंसी शॉर्ट लिस्टेड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि ये वेटिंग लिस्ट का है दोस्तों। वेटिंग लिस्ट का अगर हम बात करें यहाँ पे दोस्तों, अगर हम बात करें एएलपी और टेक्नीशियन की दोस्तों, आप देख सकते हैं एएलपी और टेक्नीशियन के लिए यहाँ पे ईस्टर्न रेलवे में 64.28738 ये इलेक्ट्रिकल के लिए, और मैकेनिकल की अगर हम बात करें 64.2675 गया है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं ओबीसी का भी एक कट ऑफ गया है, और इसके साथ ही साथ आपका एससी एसटी सबका आप चेक कर सकते हैं। अगर हम बात करें साउथ ईस्टर्न रेलवे की तो 65.13082 यहाँ पे कट ऑफ गया है साउथ ईस्टर्न रेलवे में। तो दोस्तों, इस पीडीएफ का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके पूरा चेक कर सकते हो। आप जिस टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई किया थे या तो फिर आप एएलपी के लिए अप्लाई किए थे, तो मैं यहाँ पे आपको एक चीज बता देता हूँ, आपको यहाँ पे कहीं पे भी लिखा नहीं होगा कि आपका टेक्नीशियन फिटर या तो फिर टेक्नीशियन कोई पर्टिकुलर पोस्ट के लिए। यहाँ पे दोस्तों आपको कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर नंबर दी गई आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पे देख सकते हैं कैटेगरी नंबर 1, 2, कैटेगरी नंबर 90, कैटेगरी नंबर 84, कैटेगरी नंबर 82, ये है आपका कैटेगरी नंबर। आप जो ऑफिशियल पीडीएफ
जब ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया था रिवाइज वैकेंसी, उस पीडीएफ को अगर हम डाउनलोड करेंगे तो आपको वहां पर दिखाई देगा जिस जोन से आप अप्लाई किए थे उस जोन पे कौन सा टेक्नीशियन पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी था और कौन सा उसका कैटेगरी पोस्ट है, कैटेगरी कोड उसका कितना है, वो भी आप चेक कर पाएंगे। उस हिसाब से आप यहाँ पे जाके अपना कट ऑफ चेक कर सकते हो। फिर भी अगर आपके मन में कोई भी डाउट या क्वेश्चन रहता है कट ऑफ मार्क्स को लेकर, आपको समझ में नहीं आ रहा है, अगर आप किसी टेक्नीशियन पोस्ट के लिए अप्लाई किए हो तो आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपका कितना कट ऑफ गया, तो आप मुझे कमेंट पे पूछ सकते हो, मैं आपको कमेंट पे जरूर रिप्लाई करूंगा। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, आप प्लीज वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। और अगर आप पहली बार चैनल पे विजिट कर रहे हो तो वीडियो के नीचे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई देगा, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिए, ऐसे ही आरआरबी रिलेटेड पल पल की अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।